नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स में यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। दो अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा आपको अपकमिंग 3 डेज में भी एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। क्या है वो अपडेट और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कितने शेयर हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं। और मैं क्षमा चाहूँगा कि कल देखिएगा आपको जो पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड किया गया था टाटा पावर का, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वीडियो अलग अपलोड हो गया था और अगर आप देखेंगे तो वह थंबनेल अलग लग गया था। तो ऐसी गलतियाँ कभी कभार हो जाती हैं, तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो आप देखेंगे पिछले एक महीने में 15% स्टॉक गिर गया है। तकरीबन अगर आप कहेंगे कि वहीं पर स्टॉक मिल रहा है जहां पर आपको कम से कम 1-2 महीने पहले देखने को मिलता था, काफ़ी बढ़िया हाई बनाने के बाद। काफ़ी बढ़िया हाई बनाने की वजह क्या थी और आपको आने वाले टाइम में ग्लोबली अगर आप बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो डोमेस्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया अप ट्रेंड आपको देखने को मिलने वाला है। तो टाटा मोटर एक वन ऑफ द पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर हिट होता है तो इसमें आपको एक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं कि आज आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है स्टॉक में। अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन ये मोमेंटम अभी इनफ नहीं है। क्यों नहीं इनफ है? क्योंकि आपको पता है जब तक बढ़िया लेवल पे ब्रेकआउट नहीं आएगा विद वॉल्यूम, तब तक स्टॉक का अप ट्रेंड शुरू नहीं होगा, क्योंकि अप ट्रेंड के लिए वॉल्यूम चाहिए होते हैं और बढ़िया रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट चाहिए होता है। तो अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो तकरीबन 11% के रिटर्न बना के दिए हैं स्टॉक। तकरीबन अगर आप बात करेंगे तो कई बार देखिएगा इन लेवल पे सपोर्ट लेता है और इन लेवल पे रेजिस्टेंस शो करता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर लेवल हैं जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता है और यहीं पर स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। 280 एक पर्टिकुलर बेस सपोर्ट है, उसके ऊपर ही बना रहता है तो वेल एंड गुड रहेगा। अदरवाइज देखिएगा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव ट्रिगर हिट होते रहते हैं तो 300 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाता है। पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे या फिर एक महीने में देखेंगे, लगातार आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे ही मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई थी क्या कि पर्टिकुलर यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है उसके कारण देखिएगा जो सप्लाई है और जो पर्टिकुलर मतलब यूनिट्स हैं वो कम बन सकती हैं, लेकिन उसके बाद देखिएगा उसका रिएक्टिफिकेशन भी आया था, लेकिन स्टॉक पर उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव अपडेट के बारे में। तो देखिएगा 1 घंटे पहले ये अपडेट आई है। अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है और टाटा मोटर ने भी अदर पर्टिकुलर कंपनीज की तरह एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है कि यहाँ पर वो पैसेंजर व्हीकल के प्राइस हाइक करेंगे। अब पैसेंजर व्हीकल के प्राइस हाइक करने की वजह क्या है और इसका कोरिलेशन मेटल सेक्टर से क्यों है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे कि आज मेटल सेक्टर में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, कुछ महीनों में मेटल के प्राइस कंटिन्यू रेज हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पे भी इंफ्रा की काफ़ी डिमांड है जिसमें मेटल सेक्टर का बहुत बड़ा यहाँ पर कोरिलेशन रहता है, और इंडिया लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे भी काफ़ी बड़ा मेटल की डिमांड बनी रहती है, जिसका फ़ायदा देखिएगा मेटल सेक्टर को बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है वो व्हीकल्स की बढ़ रही है और जिसके कारण मेटल भी अप हो रहे हैं। तो अब जब मेटल के प्राइस बढ़ेंगे तो सारी जितनी भी ऑटो कंपनीज़ हैं वो भी अपने प्राइस को क्या करेंगी, बढ़ाते हुए देखने को मिल सकती हैं। इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मूवमेंट आया था आज देखिएगा 3.8% का, और इंट्राडे में काफ़ी बढ़िया देखिएगा हाई भी बनाया था। लेकिन फिर आपको पता है कि ऊपर के लेवल पे बहुत सारे लोग बिकवाली के लिए बैठे हुए हैं। जब तक एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट नहीं आता विद वॉल्यूम, तब तक स्टॉक में देखिएगा बार बार एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा अपर लेवल से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द पैसेंजर व्हीकल फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से देखिएगा आपको यहां पर प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसका देखिएगा मेन रीज़न है कि स्टील का, देखिएगा जो स्टील के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो
कॉस्ट है वो अगर बढ़ती है तो आपको पता है कि प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कई सारे जितने भी ऑटो सेक्टर के कंपनीज हैं उन्होंने ये चीज़ इंडिकेट भी करी है, वी हैव सीन अ स्टीप इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द स्टील एंड द प्रीशियस मेटल लास्ट वन ईयर, एक साल से अगर आप बात करेंगे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इन सारी कंपनीज को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि उन्हें प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो आपको पता है मार्जिन्स रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे अगर कॉन्टिन्यू डिमांड वैसे की वैसी बनी रहती है। क्योंकि आपको देखिएगा आप वही चीज़ बेच रहे हो और उसमें अगर आप प्राइस इंक्रीज कर देते हो तो आपको उसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप चेक करेंगे अब तक के देखिएगा जो टॉप पॉपुलर ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने मारुति सुजुकी ने भी देखिएगा अपने प्राइसेस को क्या करा है, बढ़ा दिया है। तो इसी की तर्ज पे देखिएगा टाटा मोटर्स भी चल रहे हैं और आपको इसमें यहाँ पर देखिएगा आने वाले टाइम में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर पॉजिटिव अपडेट से। अब बात करेंगे एनालिसिस्ट क्या मानते हैं, अभी भी एनालिसिस ही मानते हैं कि इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यानी कि जो तीन क्वार्टर बचे हैं उसमें इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो सकती है, 74% तक का इसमें अप देखने को मिल सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर ईयर यानी कि अगर आप बात करें 6 से 9 महीने के लिए अगर स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको इसमें अच्छे वैल्यूएशन, अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टॉप ब्रोकरेज फर्म भी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना केवल डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी टाटा की जितनी भी कार्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, हालांकि सप्लाई उस तरीके से वहां पर इंपैक्ट कर रही है, लेकिन अगर लगातार ये सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं तो इसका बेनिफिट टाटा मोटर को देखने को मिलेगा। और जो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का विजन है वो बहुत बढ़िया एक ट्रिगर है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सेल्स का डेटा एक बहुत इम्पैक्ट करेगा जो 1 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा। जुलाई में जिस तरीके से माना जा रहा है कि जैसे जून में अप ट्रेंड देखने को मिला था, जून में कहीं कहीं आपका लॉकडाउन भी था, बट जुलाई में लॉकडाउन कहीं भी नहीं था, और अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जो रिकवरी इन डिमांड ऑफ ऑटो सेक्टर है वो लगातार बनी रहती है, तो स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपको 2-3 दिन में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं बेस की, तो देखिएगा 280 यहाँ पे जो है वो बेस सपोर्ट है स्टॉक का, इसके ऊपर ही बना रहता है। तो जब तक देखिएगा 297 और 300 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता, यानी कि 300 के लेवल के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट दे विद वॉल्यूम दे और वहाँ पर क्लोजिंग भी दे, जब लगातार इस तरीके से क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है किस तरीके की अपडेट आती हैं, अपडेट आपको मैंने बता ही दी हैं कि अपकमिंग सेशंस में कैसी आनी है, इन्हीं अपडेट पे फोकस करिएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिएगा वॉल्यूम अप हो चुके हैं, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पर अप हो चुके हैं, जो 4 करोड़ का वॉल्यूम आपको देखने को मिला था वो 5 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।